हेलो दोस्तों, फूड एक्सपर्ट प्रीति में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और जो गाजर है वो भी मार्केट में आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अभी जो रेड रेड गाजर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबको हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गाजर हमेशा हमें लाल वाले लेने चाहिए, उससे क्या होती है ना, हमारी गाजर बहुत मीठी होती है और उससे हमारा हलवे का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड, और गाजर हमेशा हमें मोटी वाली लेनी चाहिए ताकि उसे हमें, मतलब अगर आप घिस के बनाओ तो बहुत ही आसानी से उसे घिस सकते हो, काट के ही बनाओगे तो आप बहुत इजीली उसे काट के बना सकते हो। इसलिए मैं हमेशा मोटे वाले गाजर लेने चाहिए हलवे के लिए, और हमेशा लाल गाजर लेने चाहिए। आप कभी भी हलवा बनाते समय गाजर का जरूर ध्यान रखिए कि आपको हमेशा लाल गाजर लेना है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे लिया 1.5 kg गाजर, उसे हमने छील के वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। पहले बीच से में से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरीके से हम सारे गाजर कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने सारे गाजर काट लिए हैं, अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। हम प्रेशर कुकर में डाल के सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे। आप तो चाहे बिना पानी के भी बॉईल कर सकते हैं, आप इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया प्रेशर कुकर, इसमें हम सारे कटी हुई गाजर को डाल देंगे। तो फ्रेंड, हमने सारे गाजर इसमें डाल दिए, अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसे हम इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा लेंगे। तो हम फ्रेंड, हम इसे गैस पर रख देते हैं और बाकी की चीज़ें भी हम रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया फुल क्रीम मिल्क, हमने यहाँ पे 1.5 kg दूध लिया है, 1.5 लीटर, और हमने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम चीनी ली है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हमने, अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे 2 इलायची लिया, उसका पाउडर बना के हम दूध में ऐड कर देंगे। और हमने यहाँ पे लिया 4 टेबलस्पून देसी घी। तो फ्रेंड, चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ, जब तक हमारी गाजर भी बॉईल हो जाएंगे उसके बाकी चीज़ें हम रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन में डाला थोड़ा सा घी और हम इसे इसमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। हमें 2 से 3 मिनट ही ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं हम। उसके बाद हम पैन में ऐड करेंगे दूध। तो फ्रेंड, मुझे इस हलवे को बनाने में पूरे 30 मिनट्स लगे, तो आप 30 मिनट्स के अंदर इस हलवे को बना सकते हैं। तो 2 सीटी हो चुकी है इसमें, और देख लेते हैं कि हमारा गाजर अच्छे से बॉईल हुआ है नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे जो गाजर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इधर हमारा दूध भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गाजर डाल देंगे सारे। अगर प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी रह गया तो हम गाजर को छान लेंगे, छान के डालेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम सारे गाजर को दूध में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हम बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे ताकि जो नीचे से हमारा गाजर का हलवा है वो जले नहीं। तो फ्रेंड, बची हुई घी को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा घी ऐड करने से ये होता है कि आप हाई फ्लेम पे इसको करके आप अच्छे से पका सकते हैं हलवे को, दूध हमारा नीचे नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं इसी तरीके से हमें मिक्स करते रहना है। जब गाजर और दूध अच्छे से सूख जाए तो हमें फिर इसे मैश करना है गाजर को हल्के हल्के हाथों से। तो फ्रेंड, देख सकते हैं लगभग दूध हमारा अच्छे से सूख चुका है और गाजर भी
अपने आप ही मैश हो चुका है इसमें, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो हम हाथ से कर देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं लगभग हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी होने वाला है, बस थोड़ी देर और इसको सुखाएंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद जो बची हुई घी थी हम वो भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून देसी घी लिया था, उसे हमने तीन बार में यूज किया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं गाजर के हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आया है, और बस 30 मिनट्स लगे इसे बनाने में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए हुए थे। इसे मिक्स कर देंगे हम। तो फ्रेंड है ना मजेदार रेसिपी, बिना घिसे हमने फटाफट गाजर का हलवा बना लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इसे सर्व करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे हम, फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट जो थे। तो देख सकते हैं कितना लाजवाब हमारा गाजर का हलवा, गजरेला हलवा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो बस खाओ पियो मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।